गोरखपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब उसने माणिक सोनकर नाम के एक अभियुक्त को चोरी के मोबाइल के साथ मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। माणिक सोनकर जो कि 10 दंबर बोलिंग टैगोर टाउन कॉलोनी थाना गोरखनाथ का निवासी है, उसके पास से सैमसंग का चोरी का एक मोबाइल और एक डीलर्स मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ल ने बताया। दिनांक 20 मार्च को एक अनिल यादव नाम के लड़के से बाजारपुर पेट्रोल पंप के पास मोबाइल छीन लिया गया था, जिसका मुकदमा पंजीकृत था और मोबाइल छीनने वाले को तलाश किया जा रहा था। आज प्रातः मोबाइल छीनने वाले लड़के को मुखबिर की सूचना पर मैं मोबाइल के और उसी मोटरसाइकिल से जिसे मोबाइल छीनना छीनता था गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके अभी उसको मोटरसाइकिल जो गिरफ्तार किए हैं बरामद किए हैं उसी का है कि दूसरे का है? उसी की है। कितना मोबाइल मिला उसके पास? एक ही मोबाइल मिला है जो उसने छीना। और कोई इसके पहले कुछ आरोप है उसके ऊपर? पूछताछ अभी तक उसने बताया नहीं है और पूछताछ की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है? लड़का रहने वाला थाना गोरखनाथ क्षेत्र के बोरिंग नंबर 10 के पास का।